हेलो दोस्तों, नमस्कार। माय नेम इज मिस्टर कैंग। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपसे बात करने वाला हूँ जस्ट टोकन के बारे में, जिसका फ्री का एयरड्रॉप काफ़ी लोगों को अच्छा लग रहा है। तो आज की इस वीडियो में मैं उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं सीधा आपको क्रोम ब्राउजर पे लेके चलता हूँ, और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं justtoken.com की ये वेबसाइट है, जिस पे अगर मैं लॉगिन करूँ तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। रजिस्ट्रेशन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन करने से पहले आप ये वीडियो एक बार पूरा देख लें, उसके बाद ही आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करें या फिर ना करें। यहाँ पे मैं इसको साइन इन करता हूँ। मेरा यहाँ पे ऑलरेडी जो अकाउंट है वो क्रिएटेड है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जस्ट टोकन यहाँ पे मुझे 250 टोकन यहाँ पे बैलेंस है, जिसका वैल्यू है $375 का। तो यहाँ पे $375 का इसका वैल्यू दिखा रहा है। अभी हम बात करते हैं कि क्या इस टोकन को हम विड्रॉल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्या ये टोकन सही है या फिर ये कोई स्कैम करने वाला है। दोस्तों, आपने अभी तक मार्केट में देखा होगा कि हज़ारों एयरड्रॉप के यहाँ पे वेबसाइट लॉन्च होते हैं, और उनमें से मेरे हिसाब से 99% जो वेबसाइट हैं वो यहाँ पे फेक एयरड्रॉप देते हैं, और बहुत सारे लोग वहाँ पे उस टोकन को बाई करते हैं। तो बाई करने पर जो उनका गैस फीस है या फिर जो उनका जितना उन्होंने बाई किया है उसका वो चार्ज वहाँ पे दे देते हैं, और बाद में पता चलता है कि वो एयरड्रॉप फेक था या फिर जो उन्होंने प्री लॉन्च में जो प्री सेल में उन्होंने जो टोकन लिया उसका कोई भी वैल्यू नहीं है। तो इस तरीके से उनके साथ स्कैम ज़्यादा हो रहा है। अभी यहाँ पे हम बात करते हैं इसकी वेबसाइट के बारे में। तो इन्होंने यहाँ पे स्टेक वगैरह का भी ऑप्शन दिया हुआ है, आप चाहो तो ये जो टोकन आपको मिल रहे हैं उसको स्टेक भी कर सकते हो। तो अगर ये डमी टोकन होंगे तो स्टेक करके आपको यहाँ पे वैल्यू तो उसकी बढ़ती हुई दिखाई देगी, यानी कि टोकन तो आपके इंक्रीज होंगे 3-4%, लेकिन अगर डमी हैं तो उसका आगे चल के भी आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं होने वाला। यहाँ पे अगर हम वॉलेट की बात करें तो यहाँ पे स्वैप का ऑप्शन दिया हुआ है, और अगर हम इसको परचेज पे यहाँ पे क्लिक हुआ है सॉरी स्वैप पे हम अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे टोकन को स्वैप करता हूँ इथेरियम में या किसी में भी, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे इतनी फीस आपसे मांगेगा कि आप यहाँ पे नहीं कर पाओगे। और अगर आप पे करते हो तो आपका 5-6 हज़ार 10 हज़ार रुपये का इथेरियम ही आपका चला जाएगा, और आपको ये टोकन मिलेंगे नहीं मिलेंगे कोई इसका मतलब नहीं है। एक बार इसको मैं यहाँ पे स्वैप पे डालता हूँ 250। जैसे ही मैं यहाँ पे स्वैप करता हूँ तो आप देखेंगे इनफ ETH, यानी कि मुझे यहाँ पे इतने टोकन स्वैप करने के लिए आप देख रहे हैं कि कितना वैल्यू लग रहा है, 0.08 इथेरियम का यहाँ पे मुझे देना पड़ रहा है। 0.08 इथेरियम का वैल्यू अगर हम एक बार वजीरेक्स पे चेक करें तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि 0.08 इथेरियम यानी कि आपका लगभग कितने रुपए का हो जाएगा। यहाँ पे मैं ETH पे जाता हूँ, ETH पे गया और मैं यहाँ पे बाई पे करता हूँ क्लिक, अमाउंट डालता हूँ जो भी वहाँ पे आ रहा था 0.08 इथेरियम। ओके, यहाँ पे एक बार मैं इसको फिर से चेक कर लेता हूँ। अगर मैं 250 टोकन को यहाँ पे विड्रॉ करता हूँ या स्वैप करता हूँ तो 0.08972 अभी आप यहाँ पे इसका कॉस्ट देखेंगे तो ये कॉस्ट आ रहा है लगभग 26,595 रुपये। आप 27,000 मान के चलिए, क्योंकि आगे भी वहाँ पे कुछ उसका कुछ वैल्यू दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया है। 27,000 रुपये दे के आप ये अगर विड्रॉल भी करते हो तो कोई भरोसा नहीं है कि आपको ये जो $350 जो भी दिखा रहा है वो मिले, कोई फ़ायदा नहीं है इसका। यानी कि ये टोटली एक तरीके से अगर देखा जाए तो स्कैम है। अब
यहाँ पे अगर हम बात करें बाई टोकन की, तो बाई टोकन पे भी अगर हम जाते हैं तो हमसे लेने के तो यहाँ पे सारे रास्ते खुले हुए हैं, लेकिन देने का यहाँ पे कोई रास्ता ओपन नहीं है। बाई टोकन पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका अभी जो प्राइस चल रहा है एक टोकन का वो है $1.5 का। और अगर मैं यहाँ पे अमाउंट डालूँ, जैसे मैं यहाँ पे 100 टोकन डालता हूँ तो 1000 टोकन डालता हूँ, या तो मुझे यहाँ पे $1500 देने होंगे। मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आ चुके हैं। आप ETH से, BNB से, डॉगी से, या फिर जिससे भी आप ये टोकन बाई करना चाहते हैं उनके, इन्होंने देख सकते हैं कि ये यहाँ पे इन्होंने दे दिया है। मैंने 1000 टोकन का मैंने यहाँ पे बाई करने के लिए डाला हुआ है, और इन्होंने यहाँ पे एक एड्रेस दे दिया है जिसमें मुझे 0.3570 डबल के अभी अगर हम 1000 टोकन इसके बाई करते हैं तो हमें लगभग यहाँ पे कितना देना पड़ रहा है, 1,07,000 रुपये के समथिंग। और अगर हम इसको बाई करते हैं तो कोई भरोसा नहीं है कि ये यहाँ पे मिलेगा। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि इन्होंने अपने पास पेमेंट लेने के सारे रास्ते ओपन कर रखे हैं, लेकिन देने का यहाँ पे कोई भी रास्ता ओपन नहीं है। और बाकी की आप यहाँ पे जो भी इनकी जो अपकमिंग देख रहे हो, जैसे कि NFT मार्केट प्लेस इनका कमिंग सून ही है, अभी क्लाउड माइनिंग अभी कमिंग सून है, ट्रेड भी इनकी कमिंग सून है, और यहाँ पे वॉलेट जो ऐप है वो भी कमिंग सून है। तो जितने भी लोग जस्ट टोकन को अगर बाई करना चाहते हैं तो भाई बिल्कुल भी बाई ना करें, और जो फ्री का एयरड्रॉप है उसको देख के ही खुश होते रहें, क्योंकि जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इसका भी कुछ भी नहीं होने वाला है। ऑलरेडी लोगों के वॉलेट में 5-5, 10-10 हज़ार डॉलर के जो टोकन है वो यहाँ पे क्रेडिट हैं, तो ये नहीं देने वाला। सीधी सी बात है, अगर 10-10, 15-15 हज़ार डॉलर के टोकन लोगों को यहाँ पे मिल चुके हैं तो किस एक्सचेंज पे लाएगा, कहाँ से लाएगा, कहाँ से विड्रॉल देगा, ये आप खुद समझ सकते हो। तो बहुत सारे लोग जस्ट टोकन के लिए पागल हुए जा रहे हैं, तो उनको मैं यही बताऊंगा कि ये टोटली फेक है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका एक राउंड एंड चल रहा है, वो है शायद 9 दिन 19 आवर 33 मिनट और 59 सेकेंड। तो इनका अलग अलग ये राउंड चल रहे हैं जिसमें इनका जो टोकन का वैल्यू है वो इंक्रीज भी कर रहे हैं। और हो सकता है क्योंकि हम लोग बाई नहीं कर रहे, हमारे पास इतना पैसा फालतू का नहीं है देने के लिए, लेकिन बहुत सारे लोग जिनके पास पैसा फालतू का है वो इस तरीके के कॉइन भी ले लेते हैं जिनका कोई भी मतलब नहीं है। तो टोटली ये कॉइन स्कैम है, इसके चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़ें। यहाँ पे रेफ़र करके भी आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉफिट नहीं होने वाला है, टोटली आपका टाइम वेस्ट होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आने वाले टाइम में ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को दबा लेना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।